ठीक है श्याम, आप अपने बारे में बताओ पहले, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर मैं इंजीनियर हूँ हाईवे प्रोजेक्ट में, 6 साल का एक्सपीरियंस। 6 साल का एक्सपीरियंस है आपको? ओके ठीक है जी। सिर्फ हाईवे पे काम किया है कि अदर प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया आपने? नहीं सर, हाईवे में मैं ब्रिज इंजीनियर हूँ सर। ओके, हाईवे में ब्रिज स्ट्रक्चर इंजीनियर। अच्छा ठीक है जी जी ठीक है। तो आपने सर साइट पे काम किया है अभी, राइट? साइट पे ही? जी बिल्कुल सर। ओके, कभी पेपर वर्क नहीं हैंडल किए खुद से? पेपर वर्क से जो नॉर्मली यूज होते हैं वही सर, जैसे क्लाइंट के बिल विल है वो नहीं, जैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर के बिल हैं, अच्छा, अपना बीबीएस वगैरह है और स्ट्रेसिंग है, ये सारे काम, लॉन्चिंग है, है जो ठीक एग्जीक्यूशन है, के रिलेटेड सारा काम। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या सोच के आए हो, क्या करना है मतलब आपको, जैसे आपने लेवल्स देखे हैं बदानी मुझे जी 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 मेरी सर से जिस हिसाब से बात होती, मैंने उनसे ये बोला था कि मुझे डिजाइनिंग जो अपना हाईवे प्रोजेक्ट्स में जो ब्रिज है, बॉक्स कलवर्ट है, उनकी डिजाइनिंग के बारे में सीखना है। बॉक्स कलवर्ट का डिजाइन आपको सीखना है? हाँ जी, बॉक्स कलवर्ट है, ब्रिज है, पीएससी गढ़ रहे हैं, आरसीसी गढ़ रहे हैं, उसी के डिजाइनिंग उनके के बारे डिजाइन करने हैं। जी ठीक है, तो ये देखो ये जो डेमो है ये डिजाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है? अच्छा से। हाँ, डिजाइन के ऊपर नहीं है क्योंकि जो भदानी इंस्टीट्यूट है वो डिजाइन मतलब स्टैड प्रो, ई टैप, टेकला ये कराता है, एमएक्स रोड है, सॉफ्टवेयर कराते हैं हम लोग, लेकिन क्या बोलते हैं, हमारा जो मेन जोन है वो है क्वांटिटी सर्वेइंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें है, जी ठीक है? क्वांटिटी सर्वेइंग में हमारे पास 5 लेवल्स है, ठीक है? मेरे जी हिसाब से श्याम, जी आपको 5 लेवल्स में से लेवल 3, 4, 5 जरूर करना चाहिए, अगर आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो। टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? अच्छा सर। तो अगर मतलब क्या है, अभी आप साइट पे हो, अगर आप टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कर लोगे तो आपको एक हेड ऑफिस प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, और आप मतलब टेंडर टेंडर भरना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करना, ये सारी चीजें ऑफिशियल ऑफिशियल में घुस जाओगे आप, मतलब जो मीटिंग्स करने, मतलब क्लेम लेने, ये सारी चीजों पे बात बात करो किया करोगे आप, बिल्कुल ठीक है? तो जैसे बिल्कुल आपने सर। बिलिंग देखी है, लेकिन मैं मतलब फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेवल 1 से आपको हाँ जी मतलब लेवल 1 मतलब लेवल 3, 4 तो आपको मैंडेटरी है, लेवल 3, 4, 5, लेकिन आप क्योंकि हाईवे में ही रह गए हो तो आपको लेवल 1 से भदानीज जी का स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? जी बाकी अभी रुको, मैं चीजें दिखा देता हूँ, लेवल 1, लेवल 2 कैसे कैसे चीजें हैं। ये ओएस बिल्कुल ओएस यस से सर। पहले मैं, हाँ चलो ओएस आप बताओ अपने बारे में। सर आई एम सिविल इंजीनियर, आई हैव 4.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 4.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने बिल्डिंग में काम किया है और करंटली मैं अभी जल जीवन मिशन वाटर पाइप सप्लाई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ एज ए। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ अब आ रही है, आवाज चली गई थी। ओके 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 सर, मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें से मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम किया हूँ 3.5 ईयर। मैं करेंटली जो है मैं एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर, जल जीवन मिशन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसमें काम कर रहा हूँ एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर। तो मुझे बेसिकली अभी आगे इंस्पेक्शन फील्ड में ही काम करना है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, तो इसी वजह से मैं QAQC कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, QAQC का आप करना चाह रहे हो क्योंकि आप जी क्वालिटी में जी आपने डिफाइन, क्लियर क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर है, राइट? जी 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 ठीक जी है ठीक है। क्वालिटी में देखो क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या चीजें हैं और मतलब आप क्या है। देखो क्वालिटी में क्या है, अभी जैसे पहले मैं शोएब का भी ले लेता हूँ, शादाब शादाब का ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। शादाब, ओके हेलो शादाब, हेलो। हाँ हाँ सर, बताओ अपने बारे में। सर एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं मेरा बी कंप्लीट किया 2018 में सिविल इंजीनियरिंग में। ओके ओके हेलो। हाँ, तो आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो? आफ्टर दैट सर मैंने निकमार ज्वाइन किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ओके ओके
completed in 2021 March recently. Okay. ठीक है. आप तीनों का प्रोफाइल ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपको एडवाइस करने में. ठीक है. देखो सबसे पहले मैं आपको एक शीट खोलता हूँ, एक्सेल शीट खोल के बताता हूँ आपको चीजें कि आप क्या सोचते हो और मार्केट क्या है और आप कैसे आगे बढ़ पाओगे. ठीक है. देखो क्या है, सबसे पहले आते हैं आपका जो केस है. जैसे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जैसे श्याम है, श्याम आपने बताया है कि आपको हाईवे में सिक्स ईयर प्लस एक्सपीरियंस है ना. हाँ श्याम जी, हाईवे में एक्सपीरियंस है आपको, है ना. देखो क्या है, हाईवे में आपको एक्सपीरियंस है. मतलब मेरे हिसाब से, मतलब जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग का बोला था आपने, क्या कर रहे हैं, डिजाइन का है ना, डिजाइन का आपने डिजाइनिंग का है ना. तो डिजाइन का जैसे आपने बोला था, देखो क्या है, डिजाइन कर भी लोगे ना तो मैं बताता हूँ आपको, आपको ये चीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देने वाला. क्या नहीं देने वाला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देगा डिजाइन. मैं आई एम नॉट डिनाइंग, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि डिजाइन नहीं सीखना है, डिजाइन सीखना है, लेकिन आपको भदानीस का लेवल 3 और 4 जरूर करना है. ठीक है. आपको भदानीस, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है यार, एक बार को देखो, आपको भदानीस का लेवल 3 और 4 जरूर करना है. ठीक है, क्योंकि ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है. तो मतलब आपने साइट पे बहुत टाइम बिता लिया है, अब आपको साइट पे टाइम नहीं बिताना है. अगर ये देख लो, आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आप क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी लेवल 3 और 4 नहीं करते हो तो. मतलब आप अगर कमर्शियल में नहीं घुसते हो तो, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 ईयर्स दे चुके हो, इससे ज्यादा आप साइट पे देने की जरूरत नहीं है. कितना भी आप कर लो, डिजाइन आपके लिए कुछ भी नहीं है. आपने बहुत डिजाइन देखे हुए होंगे, उसी में से सीख लो, वही डिजाइन होता है. डिजाइन में कुछ खास नहीं होता कुछ ऐसा. ठीक है, स्टैट प्रो का ही यूज होएगा, चीजें वही रहेंगी. मतलब आपने बहुत सारे डिजाइन अभी तक देख ही लिए होंगे अगर आप हाईवे प्रोजेक्ट में इतना काम कर चुके हो. अब देखो क्या है, क्या बोलते हैं, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होता है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 3 फेजेस में डिवाइड होता है. पहला होता है प्री कंस्ट्रक्शन फेज, दूसरा होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, और तीसरा होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज. जब तक आप इन तीनों फेजेस पे एक्सपर्टीज नहीं ले लेते हो, आप इस इंडस्ट्री में 60,000 से ऊपर नहीं कमा सकते. अगर मैं आपको बोलूं, इवन आफ्टर हैविंग 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसा ही बता देता हूँ आपकी सैलरी कितनी रहेगी. आपकी सैलरी होगी 30,000 से 40,000 के बीच में. श्याम मैं सही बोल रहा हूँ, श्याम हेलो, अनम्यूट करो श्याम. अनम्यूट कर दिया सर. हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी. हाँ, बिल्कुल. आपकी सैलरी अभी बताओ 30 to 40 के बीच में होगी सर. 45 है. ठीक है, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको. अब आप ये सोचते हो कि 10 साल, देखो अब ये 40 पे हो, अब देखो 10 साल में आप 60 पे चले जाओगे. चल तो वही रहे हो जो मैंने आपको हिंट दिया. समझ में आ रहा है बात में क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल है ना, समझ में आ रही है ना बात. तो ये जो चेन है ना, ये चेन ऑलरेडी आप उसी चेन में ही हो, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो. पता है क्या अलग नहीं कर रहे हो, मैं बताता हूँ क्या प्रोफाइल है आपका, आप कैसे चल रहे हो. एक साइट इंजीनियर जब बनता है तो पहले साल वो 8 से 12 हजार रुपए कमाता है. ठीक है, बिल्कुल. मतलब फोर्थ ईयर में वो मतलब फर्स्ट ईयर में वो 1 to 12 के कमाता है. मैंने 8 to 12 के, सॉरी 8 to 12 के कमाता है. फोर्थ ईयर में वो 20 to 30 के कमाएगा. ठीक है,
सेवंथ ईयर में, मतलब तीन तीन साल के मैं सेट बना रहा हूँ, ठीक है। ये 35 to 50 के बिलो रहेगा, और टेंथ ईयर में आप मतलब 60 to 70 पे रहोगे, या 50 to 70 के बीच में, ठीक है। वही रेशियो है जो अपना महंगाई है उससे कम ही रेशियो रहेगा। बिल्कुल। आप देखो क्या है, आप क्या है, ऐसा करियर आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि मतलब ये देखो मतलब सेवंथ प्री मतलब पहले से डिफाइंड चीजों पे थोड़ी ना करना चाहोगे। ये देखो ये जो सैलरी स्लैब है ऑब्वियस है कि आप नहीं करना चाहोगे, है ना। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ श्याम, कि आप डिजाइन सीख भी लोगे ना, इससे कम सैलरी हो जाएगी, उल्टा ज्यादा नहीं होगी। अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, क्लियर कर रहा हूँ मैं ये बात, कि आप डिजाइन करके सोच रहे हो ना कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ये और घट जाएगी उल्टा, ये समझ लो, लेकिन बढ़ेगी नहीं सैलरी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। डिजाइन एड ऑन हो सकता है, एड ऑन स्किल हो सकता है, लेकिन उसे कमाने का जरिया नहीं बना सकते। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाऊंगा इसे सीखने के बाद करियर में, वो नहीं होने वाला। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल आप देखो सर, क्या बिल्कुल। है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आप देखो क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ, देखो एक प्रोजेक्ट में, एक जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें तीन एस्पेक्ट्स भी होते हैं। कितने होते हैं? तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। सब सुन रहे हो? आपको समझ में आ रहा है सदाब? हाँ, है ना। आप देखो तीन एस्पेक्ट होते हैं, पहला एस्पेक्ट होता है टेक्निकल एस्पेक्ट, दूसरा होता है कमर्शियल एस्पेक्ट, और तीसरा होता है प्रोजेक्ट वाइज एस्पेक्ट, ठीक है। तीनों एस्पेक्ट्स पे भी काम करना आना चाहिए आपको अगर ये इंडस्ट्री में कमाना चाहते हो। तो आप देखो आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे घूमे जा रहे हो, डिजाइन भी क्या है टेक्निकल एस्पेक्ट है, तीनों एस्पेक्ट पे काम करोगे तब ये चेन टूटेगी, ये वाली चेन टूटेगी। गलती देखो कहाँ पे हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे यूट्यूब कहीं भी आप देख लेना, पूरे गूगल में सर्च कर लेना, यूट्यूब सर्च कर लेना, कोई बुक पढ़ लेना, दुनिया की बुक, सिर्फ आज जो आप सुन रहे हो ना, ये सिर्फ आज आप इसी सेशन में सुन रहे हो आप ये चीज, ये समझ के चलो, कहीं भी नहीं मिलेगा ये, किसी को नहीं पता दुनिया में, सर। ये समझ के चलो, किसी ने नहीं बताया होगा आपको, कहीं भी सर्च कर लेना, कोई नहीं बताएगा आपको। ये जो तीन एस्पेक्ट होते हैं ना, कहीं भी नहीं दिए हुए, गूगल में ना, ब्लॉग में ना, यूट्यूब पे कहीं नहीं दिए कि ये तीन एस्पेक्ट होते हैं और ये तीनों एस्पेक्ट पे काम करना जरूरी है, समझे। अब देखो क्या है, आप डिजाइन कर रहे हो तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट है। अब देखो वैसे ही सेम आ रहा है साइट का प्रोफाइल में, और क्या क्या प्रोफाइल आ जाता है, एक साइट इंजीनियर हो गया, फिर हो गया क्वालिटी, एक क्या हो गया क्वालिटी, जो कौन करना चाहते हैं क्वालिटी, कौन बनना चाहते हैं, ओएस, शायद ओएस ने बोला था ना, ओएस, यस सर, हाँ देखो ओएस, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डिनाय नहीं कर रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन बताओ मैंने जो स्लैब लिखी है, क्या आप इसी स्लैब के अंदर में हो चार साल बाद भी? ये देखो ये स्लैब में, इसके बीच में ही हो गए कहीं, है ना, इसी के बीच में हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10-10 साल लेने के बाद ना क्वालिटी में 60,000-70,000 से ऊपर नहीं जा पाओगे, 15 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी। आप ये समझ के चलो, क्लियर कट, बिल्कुल। हाँ, आपको कुछ अलग ही कर, आपको ये क्वालिटी में कुछ अलग हो ही नहीं सकता, क्वालिटी क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी मतलब देखो आप कहोगे कि सर क्यों नहीं मिल सकती, तो मैं एक और रीजन बताता हूँ, जब तक आप तीनों फेजेस पे काम नहीं करोगे, ये कंपनी आपको, कोई इंडस्ट्री आपको पैसा नहीं देगी, ये चीज कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं दिया हुआ, ये चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्या है, तीनों फेजेस पे, तीनों प्रोजेक्ट पे काम, जब तक आप तीनों फेजेस पे काम करना नहीं सीखोगे। अब देखो क्वालिटी वाला बंदा किस फेज पे काम कर रहा है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज पे काम कर रहा है, यानी एक ही फेज पे लगा रहेगा तो कंपनी देगी ही नहीं पैसा, बात आई समझ में, समझ में आ रही है बात, ओएस समझ में आ रही है बात, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है रोल, शायद फ्रेशर्स के लिए, मतलब फ्रेशर होगा तो उसे मिल जाएगा पैसा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो तो आप तो चाहोगे ना ज्यादा ज्यादा पैसा मिले, वो फ्रेशर के लिए कि भाई जो मिल गया कर लिया, है ना, समझे ना,
जो मिल गया जी, कर लिया है ना। तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है, तो इसमें क्या है कि आपको जो है मतलब क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या है कि तीनों फेजेस पे काम करना आना चाहिए। और वो कौन करता है, वो क्यूएस ही करता है, क्वांटिटी सर्वेयर। कौन करता है? क्वांटिटी सर्वेयर ही करता है। तो आप कुछ भी बनो, आप साइट इंजीनियर बनो, क्वालिटी इंजीनियर बनो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप क्वांटिटी सर्वेयर के स्किल्स को लेके चलो, अगर आप इस इंडस्ट्री में रियली में कमाना चाहते हो तो। ये समझो, क्वालिटी करो, क्वालिटी सीखो, क्वालिटी कंट्रोल का भी कोर्स है, अवेलेबल है, क्यूए क्यूसी भी करो, लेकिन अगर आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको लेवल 3-4 या लेवल 1 मतलब जो क्वांटिटी सर्वे के लेवल्स है वो करने मैंडेटरी है, करने पड़ेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अटकोगे। ठीक है, समझे बात को? क्लियर है ये चीज? अब देखो मैं बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से पढ़ाया जाता है। देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, मैंने कुछ भी टाइप किया आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आवाज कट रही है सर। हेलो, आवाज कट रही है सर, पता नहीं चल पा रहा पीछे। अब आ रही है आवाज? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। देखो अब देखो क्या ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कुछ भी मैं इधर टाइप कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक होता है व्हाइट बोर्ड कंटेंट और एक जो नॉन शेयरेबल होता है, ठीक है, और एक होता है शेयरेबल कंटेंट। ठीक है, एक होता है शेयरेबल कंटेंट, जैसे पीडीएफ हो गया, पीपीटीज हो गई, ड्राइंग्स हो गए, ठीक है, पीपीटीज हो गए, ड्राइंग्स हो गए, और आपके फॉर्मेट्स हो गए, एक्सेल फॉर्मेट्स, वर्कबुक्स, ये सारी चीजें हो गई, ये शेयरेबल कंटेंट है। ठीक है, आपको क्या है, आपको क्या बोलते हैं, आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों सेशंस मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों सेशंस मिलेंगे। रिकॉर्डेड में क्या रहेगा, जैसे जो 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 टॉपिक्स है वो आप मतलब पढ़ते रह रहे हो, बीच में मतलब मतलब ट्रेनर का आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जैसे मैं ट्रेनर हूँ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास रहेगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप नंबर रहेगा, बीच में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे लाइव सेशन करना है, ठीक है, तो आपके पास मतलब वहां पे लाइव सेशन का ऑप्शन आ जाता है, मतलब आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और देखो लाइव सेशन में और मतलब आपको डाउट रहता है स्टूडेंट्स, मतलब किसी ने कोई डाउट दिखाया, किसी ने कोई डाउट दिखाया, तो एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट को लाइव सेशन होगा। तो फ्रीक्वेंट मैनर में अगर मैं बताऊं आपको, तो फ्रीक्वेंटली आपको क्या बोलते हैं, जो लाइव सेशन चलते रहते हैं, मतलब आफ्टर 7 डेज 1 वीक आपने पहले कंप्लीट किया, सीखा, फिर 1 वीक बाद आपको एक लाइव सेशन मिल जाता है। तो ऐसे करके फ्रीक्वेंट लाइव सेशन चलते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब रिकॉर्डेड ही सुनते जा रहे हो, इधर से लाइव सेशंस भी आपके चलते जाएंगे। ठीक है, समझे? जैसे मान लो कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में, तो बिल्कुल आप मतलब आपको वो पूरा लाइव आके, जैसे मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ, वैसे लाइव आके मैं आपको लाइव सेशन दूंगा और उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, इसमें डेली लाइव सेशन नहीं होने वाले हैं टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से? डेली लाइव सेशन आपको क्या है, देखो मैं बताता हूँ कि पहले डेली लाइव सेशन हो रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या था, जैसे मान लो लाइव सेशन में भी क्या हमने क्या देखा कि लाइव सेशन में मतलब क्या बोलते हैं, कोई कभी नहीं ले पाया या कभी कोई नहीं हुआ, तो क्या होता है कि वो रिकॉर्डेड देख पाएगा। ठीक है, तो लाइव सेशन ऐसा नहीं है कि डेली लाइव सेशन आपको मतलब डेली लाइव सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे ही रिकॉर्डेड वर्जन आने वाले हैं, तो आप मुझे पता है कि मैंने क्या बोला हुआ है, तो आप मतलब जैसे ही पूछोगे मैं आपको व्हाट्सएप पे भी क्लियर करते चलूंगा, समझे? तो आपको आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि कुछ ऐसा मिस हो रहा है। ठीक है, तथा आप समझ रहे हो? और फ्रीक्वेंट लाइव सेशन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन नहीं है, ये फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस रहेंगे। फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस मतलब आपको लाइव सेशंस मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दी जल्दी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि दिन लग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको फ्रीक्वेंट लाइव सेशंस मिलते रहेंगे। जैसे कभी 8 बजे शेड्यूल किया हुआ है तो 8 बजे वाले में आ गए, कभी सुबह वाले में शेड्यूल किया तो सुबह वाले में आ गए। तो ऐसे फ्रीक्वेंट, मान लो सुबह का लाइव सेशन छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितने तक रिकॉर्डिंग हो गई अब आपने सुनी हुई है वो रात में या कभी भी आपको उसके डाउट्स क्लियर मिल जाएंगे। वैसे डाउट, एक बात ये भी क्लियर बताता हूँ, ऐसे भी मतलब ऐसे समझाया हुआ है, डाउट्स बन ही नहीं सकते, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए ये चीजों को, ठीक है। मतलब इसे आप लाइव सेशन ही समझ के चलो, ये कोई मतलब रिकॉर्डेड इसलिए कर रखा है क्योंकि क्या है कि मैंने लाइव सेशन दिए बहुत सारे लाइव सेशन दिए, तो क्या होता है उसमें से जो मतलब मैं 40% भी नहीं बोल रहा, 10 में से 6 स्टूडेंट क्या है ना, वो लाइव सेशन एक एक दो दो छोड़ छोड़ के चलते जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो मतलब क्या है उन्हें रिपीट करते हैं, रिपीट कर किया जाता है लाइव सेशन में, रिपीट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर रिकॉर्डेड रहेगा तो क्या रहेगा कि बंदा वो रात में भी बैठ के वो रात में सुन लिया कि हाँ सर मैंने तो सुन लिया, मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आप, ये हो जाता है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, आप देखो क्या है हाँ अभी मतलब आप लाइव सेशन ही लेके समझ के चलो, अगर आपको लाइव सेशन लेना है तो लाइव सेशन ही मिलते रहेंगे, लेकिन आपको रिकॉर्डेड का भी एक्सेस मिलेगा, मतलब आपको मतलब ताकि वो उस चीज को आप मतलब कोपअप करते रहो, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखो मैं व्हाइट बोर्ड दिखाता हूँ कि व्हाइट बोर्ड कैसा होगा, मतलब व्हाइट बोर्ड एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड बताया तो व्हाइट बोर्ड क्या होता है मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये व्हाइट बोर्ड है, इधर देखो जो भी टॉपिक आपको जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है, चाहे वो रिकॉर्डेड में हो चाहे लाइव में हो, आपके स्क्रीन पे आएगा, वो क्या होगा आपके स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने लेवल 1 का व्हाइट बोर्ड खोला है। इसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्वांटिटी टेक ऑफ का, यहाँ पे देखो क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है प्लान, दूसरा होता है सेक्शन। प्लान से आपको लेंथ और विड्थ मिलता है जिससे आप रनिंग मीटर में क्वांटिटी निकाल पाते हो और एरिया में क्वांटिटी निकाल पाते हो, और सेक्शन से आपको हाइट डेप्थ थिकनेस मिलता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्लान विद द सेक्शन यू गेट द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक है, जो भी टॉपिक है देखो सामने आपके स्क्रीन पे आएगा, ये देखो एक एक चीज एक एक टॉपिक सिक्वेंशियली अरेंज्ड है। ठीक है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो सकता, हर एक टॉपिक जो भी टॉपिक है सिलेबस में सारा सीरीज वाइज सीरीज कवर किया हुआ है। भदानीस की रिसर्च टीम ने ये मतलब हर चीज कंटेंट डेवलप किया हुआ है। ठीक है, मैं आई एम आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ भदानीस रिसर्च टीम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक एक चीज, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मेथड आपको आता है कंक्रीट का तो आपको पहले से पता है, नहीं, आपको सेकंड मेथड भी कराया जाएगा, आपको थर्ड मेथड भी कराया जा रहा है, मतलब आपको आपने ये मेथड कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, कि ये भी मेथड से सीमेंट निकलता है, एम आई राइट, सही बात है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक चीजें, मतलब एक एक चीज आपका, जैसा ये देखो ये फॉर्मवर्क एस्टिमेशन है। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मवर्क एस्टिमेशन है, ये फॉर्मवर्क एस्टिमेशन देखो यहाँ पे आपने देखा कि कितना बैटन स्ट्रट्स लग रहे हैं, प्लाईज लग रही है 10 स्क्वायर मीटर शटरिंग एरिया में। फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, हर एक कॉन्टेंट में आपको एक वर्कबुक कराया जाता है। वर्कबुक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जैसे आप मान लो आपने कोई टॉपिक किया, टॉपिक करने के बाद ये देखो ये आ रहा है आपका, टॉपिक करने के बाद मतलब जैसे शटरिंग का व्हाइट बोर्ड से मैंने फॉर्मवर्क का एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या है आपको टास्क मिल गया। टास्क क्या है कि यहाँ पे जितना शटरिंग एरिया आया है ड्रॉइंग से उसका प्लाई बैटन स्ट्रट निकालो। तो ये देखो एक स्टूडेंट का मैं डाटा दिखा रहा हूँ कैसे उसने फिल करके बनाया है और डिस्कस किया है, क्लियर है, समझ रहे हो? तो एक्सेल मतलब देखो आज की डेट में रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपको रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, डाटा का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा नहीं है कि आना चाहिए तो आप एक्सेल आता है तो आप कर लोगे, इसके बैकएंड जो माइंडसेट होता है, बैकएंड जो कैलकुलेशंस होती है वो भी तो करेक्ट होनी चाहिए ना, तभी तो टेक्निकल रिपोर्ट जनरेट होगी, करेक्ट है ना?
तो ये देखो, ये हर एक चीज का वर्कबुक है, इसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। हर एक चीज, कोई भी टॉपिक यहाँ से कराया आप एक तो वर्कबुक से कर रहे होते हो, जो क्वांटिटी टेक ऑफ में फिर जो ड्रॉइंग्स होती है। लेट मी ओपन द ड्रॉइंग्स। जैसे एक सिंपल ड्रॉइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर देखो कैसे आप क्वांटिटी टेक ऑफ करते हो। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ शाम का, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी। ये देखो, यहाँ पे देखो सिंपल एक ड्रॉइंग है। यहाँ पे देखो जो भी ड्रॉइंग है, यहाँ पे आपको लेबर रिक्वायरमेंट, मशीन रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट, बीबीएस, इसका सारा कुछ आप निकाल रहे होते हो। तो हर एक चीज जैसे आपने निकाला तो एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट मिलता है। एक होता है वर्कबुक और एक होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो वर्कबुक और फॉर्मेट में क्या फर्क है, ठीक है। वर्कबुक में टास्क दिए जाते हैं, फॉर्मेट एक प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप कम से कम चेंजेस करके यूज करते हो उन चीजों को। जैसे ये देखो, ये क्वांटिटी टेक ऑफ का फॉर्मेट है। अब लोग क्या है, मेजरमेंट शीट जैसा कुछ बना देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी टेक ऑफ नहीं होता। क्वांटिटी टेक ऑफ का जो प्रोफेशनल तरीका है वो ऐसे शो करने का है। लोगों को पता नहीं होता, वो इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में सोचते हैं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो ये सारी चीजें नहीं दिखाते प्रोफेशनली और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज है, कुछ भी मैं स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि इधर क्या है, उधर क्या किया हुआ है, ऐसे क्या किया हुआ है, सब आपको दिख रहा है कि इधर क्या किया है, ये कैसे आया, वो कैसे आया, एक एक चीज आप स्क्रीन पे देख पाओगे, समझे। एक एक चीज आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ये देखो, ये प्रेजेंटेशन ऑफ एस्टिमेशन है, तो किस तरीके से ये एस्टिमेट प्रेजेंट किया है। तो हर एक चीजें मतलब कैसे होता है, क्या तरीका है, ये एक तरीका मैं आपको दिखाया है। ऐसे 3-4 तरीके आप एस्टिमेशन सबमिट करने के सीखोगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे क्या है कि एक होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एक होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो तो आप सीखोगे सारी चीजें, और एक होता है सिचुएशन बेस्ड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब देखो सिचुएशन बेस्ड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या होता है, क्या होता है। अब सिचुएशन बेस्ड एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्या होता है कि अब देखो, जैसे मान लो आपका बैचिंग प्लांट यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर पे आपका कॉन्क्रीटिंग है होना है। अब आप बताओ, मैं ओनर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ भाई सदाब, बताओ सदाब, श्याम, ओएस, कि भाई क्या बोलते हैं, कितने घंटे में ये हो जाएगा। अगर मैं राफ्ट करने वाला हूँ, राफ्ट करने वाला हूँ मैं 1580 क्यूबिक मीटर का, कितने घंटे में हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो क्या आप बता पाओगे अभी के अभी विद इन 10 मिनट्स कि ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, कि कितना आने वाला है। तो इसे कहते हैं हम सिचुएशन बेस्ड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अब जैसे मान लो अर्थवर्क है, जैसे मान लो अर्थवर्क है, अर्थवर्क आपका 10,000 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क है, ठीक है, 10,000 क्यूबिक मीटर आपका अर्थवर्क है। तो ये 10,000 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क जो है, मैं ओनर हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये अर्थवर्क का मतलब क्या होता है, एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग और सॉइल शिफ्टिंग। तो अब आप ये बताओ कि मतलब ये तीनों चीजें करने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा और कितने दिन में हो जाएगा, तो क्या बता पाओगे आप सदाब, आप बता पाओगे? नहीं सर। है ना श्याम, आप बता पाओगे? श्याम आप बता पाओगे? अभी तुरंत के तुरंत इंस्टेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक है, देखो तुरंत के तुरंत इंस्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, समझो बात को, तुरंत नहीं होगा। मैं मानता हूँ आप कर भी लोगे, लेकिन एक बात बताओ, मान लो इंटरव्यू में बैठे हो, किसी ने पूछ ही लिया, तो कैसे और एक मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग होता है ना, वो कोई सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है ना। आप देखो कोई बात नहीं, आपने रोड पे भी जेसीबी बहुत चलवाए होंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करवाया होगा, है ना। आप क्या है इनका नाम, कहता ओवैस, ओवैस आप बताओ, बता पाओगे क्या? ओवैस बोलेगा नहीं, मैं तो क्वालिटी में जा रहा हूँ सर, मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया, है ना ओवैस नहीं। देखो क्या है, देखो मैं बताता हूँ क्या बात होती है, आप क्वालिटी में जाओ, आप डिजाइन में जाओ, सब जगह जाओ,
लेकिन एक बात याद रखना कि अगर क्यूएस नहीं आता ना तो ये इंडस्ट्री कमाने नहीं देगी आपको। क्लियर बात बोल रहा हूं, क्यूएस नहीं आता ये इंडस्ट्री आपको कमाने नहीं देगी। और ये चीज जो है ना, ये आज आप भदानीस के डेमो क्लास में ही सुन रहे हो, ये आपका सीनियर नहीं बताएगा, आपके एचओडी ने नहीं बताया था, कोई यूट्यूब गूगल ब्लॉग में अभी तक छपा नहीं है ये चीजें। ये चीज आप समझो, ये जो माइंडसेट है ना, ये कोई नहीं बताने वाला। यही चीज है, अगर आपने तीनों फेजेस पे काम करना सीख लिया तो आप ये मालिक ना, ओनर जो है ना, आपको फ्लाइट की टिकट खुद करेगा और लेने आएगा एयरपोर्ट पे, इसकी भी गारंटी देता हूँ। अगर आप अच्छे बन गए तो ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ रहेगा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, सर बोलेगा आपको। और ये अभी आपको लग रहा होगा सर तो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत बात है। जो जो हीरे की कदर करता है ना, जो हीरा पता, हीरा है और हीरा पता चल गया तो फिर वो तो बात अलग ही हो जाती है। तो देखो अभी क्या है, ये चीज क्लियर है। देखो कोई भी चीज है, आपको सामने से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो जो भी चीज है आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैसे किया, वो कैसे किया, एक एक चीज आपको क्लियर है, क्लियर रहेगी। ठीक है, अब देखो और भी चीजें मैं दिखा देता हूँ। जैसे जैसे रेट एनालिसिस हो गया, कि अब आप रेट एनालिसिस कैसे कर रहे होगे, तो रेट एनालिसिस का पूरा प्रोजेक्ट का पूरा आपको देखो, ये आपको पूरा व्यू ओनली एक्सेस मिलता है गूगल ड्राइव से। ये देखो, ये पूरा देखो, ये पूरा कैसे रेट एनालिसिस बनता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बस सीख लिया, आपने कुछ कॉन्सेंट रट लिए और हो गया, आपको उसके अंदर की चीजें बताई जाएगी कि ये कॉन्सेंट बनते कैसे है, ये कॉन्सेंट डिराइव कैसे होते हैं। कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी गूगल, किसी ब्लॉग में ये नहीं लिखा है कि कॉन्सटेंट कैसे डिराइव होते हैं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये मिल जाएगा कि ये कॉन्सटेंट है, इसके लिए इतना लेना है, इसके लिए इतनी क्वांटिटी लगेगी, लेकिन ये आया कैसे ये कभी डिफाइन नहीं होता, ये कहीं भी नहीं लिखा। और आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये चीजें पकड़ोगे, इन चीजों को पकड़ोगे धीरे धीरे, वो बहुत टफ होती है वो चीजें, लेकिन आप पकड़ोगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो वो तब बनोगे आप रेट एनालिसिस। ऐसा नहीं बनते कि डीआर हाथ में ले लिया, जैसे दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट ले लिया डीआर, और सोचने लगे वाह वाह, मतलब सारे कॉन्स्टेंट तो मिल ही रहे हैं और मैं तो रेट एनालिस्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे चीजों की, लेकिन रूट पे नहीं जा पाओगे आप। रूट पे कैसे जाओगे, जब आप ट्रेनिंग के अंदर रूट में घुसोगे आपकी, ये अच्छा सर ने ये बताया। जैसे मान लो हिंट देता हूं मैं, हिंट क्या है, देखो हिंट देता हूं मैं आपको कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये देखो हिंट क्या है, जैसे ये बैकफिलिंग है, ये बैकफिलिंग है, बताओ बैकफिलिंग प्रोजेक्ट में जो बैकफिलिंग है, मैं कह रहा हूं बिना ड्राइंग के बैकफिलिंग आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो बैकफिलिंग का क्या होता है, 60-80% ऑफ द एक्सकेवेशन क्वांटिटी आपका बैकफिलिंग होता है। ये बेसिक में बताया मैंने, अभी मैंने एडवांस नहीं छुआ, ये मतलब बेसिक्स है, मतलब ये 8-10 साल में पता चल जाता है लोगों को कि ये चीज होती है, ये ट्रिक है। नहीं पता चलता तो बात अलग है, वो उसका मतलब उसका वो है कि भाई नहीं पता चला। देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, कैसे नहीं पता चला तो मतलब क्या है, एक होता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और एक होता है ट्रेंड प्रोफेशनल। एक होता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और एक होता है ट्रेंड प्रोफेशनल। ट्रेंड प्रोफेशनल में भी भदानीस का प्रोफेशनल मैं स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि मेरे जैसा ट्रेनर है यहाँ पे, मैं अपनी बड़ाई खुद करूंगा कि मेरे जैसा ट्रेनर है यहाँ पे जिसका नाम रवि सिंह है। अब देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और ट्रेंड प्रोफेशनल में क्या फर्क है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो होता है वो काम देख के सीखता है, मतलब उसने देखा तो सीखा, नहीं देखेगा तो नहीं सीखेगा। वो इंटरव्यू में जाएगा तो कैसा बोलेगा पता है,
उससे पूछा जाएगा ये इसमें काम किया है बताओ, अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि ये बताओ, नहीं सर मैंने काम ही नहीं किया इसमें इसलिए मुझे नहीं पता, वो ये बोलेगा। लेकिन ट्रेंड प्रोफेशनल क्या बोलेगा, सर हाँ मुझे पता है, मुझे मतलब ट्रेंड प्रोफेशनल क्या बोलेगा, मान लो उसे नहीं पता है ट्रेंड प्रोफेशनल को, तो उसके पास एक ऐसी स्किल रहेगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक यूनिवर्सल स्किल्स होती है, यूनिवर्सल स्किल जो हर प्रोजेक्ट में लागू होती है, अप्लाई होती है, वो आप इस ट्रेनिंग में सीखते हो। इसलिए भदानिस का जो ट्रेंड प्रोफेशनल है, और जब वो एक्सपीरियंस लेगा तो ये समझ लो नॉर्मल जो सिविल इंजीनियर है वो जब एक्सपीरियंस लेता है तो वो क्या करता है, वो नॉर्मल एक्सपीरियंस वाला बंदा क्या कैसे जाएगा, वो उसका स्लैब ही बता देगा। जैसे मैंने आपको स्लैब बताया, मान लो वो 10 साल काम करेगा तब जाके वो 60,000 रुपए कमाएगा। और भदानिस का ट्रेंड प्रोफेशनल जिसने ऑल लेवल्स किए हैं वो इतना सीख जाएगा कि मतलब गारंटी देता हूं 3 साल में वो 60,000 क्रॉस कर चुका होगा 3 साल में। इधर देखो डिफरेंस कितना बड़ा है, चलो 3 साल में 60,000 नहीं किया, मैं कह रहा हूँ चलो 40+ जाएगा कोई बात नहीं, तो आप फिर भी देखो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि अगर मान लो एक बार उसने 40 गेन कर लिया और QS में उसका नाम चल गया, नाम के नीचे प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर लगा के उसने काम कर लिया एक बार, तो इसका जो सैलरी ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसे जा रहा है कि भाई जितने बूढ़े होंगे तभी सैलरी बढ़ेगी, बूढ़े नहीं हुए तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक बूढ़े को बैठा देता है प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी वाला, वो कहता है देखो इसकी 1 लाख सैलरी है, देखो तो इसलिए तुम्हारी, देखो तुम्हारे 1 लाख मिलेगा, ये क्योंकि ये ज्यादा बूढ़ा है इसे 1 लाख मिल गया, वो कम बूढ़ा है तो उसे थोड़ा कम, और वो ज्यादा कम बूढ़ा है और वो फ्रेशर है उसे तो देंगे ही नहीं सैलरी, या मतलब 5,000 दे दिया 8,000 दे दिया, कंपनी का माइंडसेट ऐसा होता है, समझे। इस चीज को अगर आप समझ जाओगे ना, अभी आप समझ लो अंदर से ना डर लगने लग जाएगा कि मैं ये इंडस्ट्री में कैसे जा रहा हूँ, अभी डर लग जाना चाहिए आपको कि यार ये तो मैं बिल्कुल गलत जा रहा था। अभी अगर आप इस चीज को समझ गए हो ना, तो अभी आप मतलब समझ लो कि बहुत आपको अफसोस हो रहा होगा, और बहुत मतलब अफसोस होना भी चाहिए थोड़ा बहुत तो, क्योंकि अगर आपकी कम सैलरी है तो ज्यादा अफसोस होना चाहिए। अगर आपने 5 साल 6 साल दे दिया और आप 30,000 कमा रहे हो तो आपको अफसोस होना चाहिए, क्योंकि अफसोस नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे, अफसोस तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाहता हूं मैं, तो ये चीजें है। तो इसके अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 मान लो आपने काम किया है तो लेवल 1 जो है आप ये कह सकते हो कि हाँ 50% तक आपको पता होगा, क्योंकि आप सब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो। शायद शदाब को नहीं पता होगा क्योंकि उसने अभी अभी निकमार से पास किया है, ठीक है ना शदाब, तो आप मतलब आपको तो लेवल 1 मतलब 30% तक पता होगा, जैसे ड्राइंग पढ़ना क्वांटिटी निकालना BBS थोड़ा बहुत आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा लेवल 1 के, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप देखो क्या है, मैं और भी चीजें जैसे मैंने आपको रेट एनालिसिस दिखाया आपको, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के आपके पास बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते रहेंगे। जैसे एक और शीट मैं खोलता हूँ आपके सामने, ये देखो ये स्कैफोल्डिंग का मटेरियल कैलकुलेशन है, ठीक है। आप देखोगे कि ये देखो स्कैफोल्डिंग के टू मीटर लेंथ, ऐसे 2, 1, 3 का अगर बनाओगे तो कितने कितने मीटर लगेंगे, तो ये सारे दिए हुए हैं। तो इतने सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको कि आप अगर ये सोचते हो ना, देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, यू कैनॉट इवन गूगल इट इफ यू डोंट नो वट टू गूगल इट। आप वो चीज गूगल ही नहीं कर सकते अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या गूगल करना है। बात आ रही है समझ में, क्योंकि आपको सपने में थोड़ी ना आएगी चीजें, तो उसके लिए इसी को जानने को कहते हैं एक्सपोजर, कि आप एक्सपोजर कहाँ से लोगे, राइट एक्सपोजर। एक होता है एक्सपोजर कि कुछ भी पढ़ लिया, अरे पता चल गया आज तो मैंने ये पढ़ लिया, ओ वाह आज मैंने ये वीडियो देख ली, वाह कितना मजा आ गया। नहीं, ये एक्सपोजर नहीं होता, वो भी ठीक है कि लेकिन आप
एक एक्सपोजर होता है जो आपको सही पता लगा कि हाँ इसके बाद ये पढ़ना चाहिए था, मैं कहाँ क्या पढ़ लेता हूँ, कुछ भी उठा के पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज होती है ट्रेनिंग में, ये चीजें रहती है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया बीबीएस के भी शीट है मेरे पास, लेकिन मैं अभी वो नहीं दिखा रहा हूँ, मैं लेवल टू का दिखा देता हूँ। देखो लेवल टू में भी, लेवल टू का भी व्हाइट बोर्ड अपना अलग होता है, तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा सकता डेमो में, तो मैं आपको अभी शीट्स दिखा देता हूँ कि किस टाइप की शीट्स पे आप काम कर रहे होते हो। ये ओपन हो रहा है शीट, अभी रुक जाओ। ओपन हो रहा है अभी भी, हाँ हो गया। ये देखो, अब देखो बिलिंग इंजीनियर क्या है। बिलिंग इंजीनियर मैं आपको बता देता हूँ कि बिलिंग इंजीनियर का जो कोर्स है पूरे इंडिया में भदानीज इंस्टीट्यूट ही है जो, जिसने ये बिलिंग इंजीनियर का कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, और सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जो ये लॉन्च किया है। और जितने भी कंटेंट जो बनाए हैं, जितने भी अमेजोन पे बुक्स है, बिलिंग की जो बुक है, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में भदानीज इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, आप जाके वो देख सकते हो बिलिंग की बुक। लेकिन वो बुक पढ़ने से फायदा तब है जब आपने भदानीज के लेवल्स किए हुए हो, तब आपको ज्यादा उससे नॉलेज अच्छी मिलेगी, आप कोप अप कर पाओगे। क्योंकि जो कंटेंट अगर लेवल्स में कवर नहीं है तो वो उसमें कवर है, लेकिन लेवल्स करने के बाद बुक्स पढ़ने का फायदा, मतलब रिपीट करने का थोड़ा, मतलब जल्दी हो चीजें हो सकती है, बस ये चीज है। अब देखो मैं बिलिंग का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सामने शीट खोली है तो मैं बुक की बात करने, वो उसकी बात करने लग गया। देखो ये कोई भी है, मतलब ये देखो ये पूरे प्रोजेक्ट का ये बिल है, पूरा एक प्रोजेक्ट का पूरा बिल है, कैसे बनाया है, कौन सी शीट क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्यों बनाते हैं, पर्पस क्या है, क्लेम कैसे लेते हैं, रिकनसाइल कैसे करते हैं। अब एक होता है बिलिंग इंजीनियरिंग, अब आप सब जगह देखोगे ना तो बिलिंग इंजीनियरिंग है, बिलिंग इंजीनियरिंग मांगते हैं, ठीक है। लेकिन बिलिंग मैनेजमेंट भी आ चुका है, बिलिंग मैनेजमेंट भी चीजें है, अब बिलिंग मैनेजमेंट भी मांगा जाता है। अब जैसे मान लो क्लेम है, बिल में क्लेम लेना, अब क्लेम लेना एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा आइटम का क्लेम ले लिया, तो आप लोग बिलिंग इंजीनियर सोचता है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसने वो ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट ट्रेंड होते हैं, वैसे ही क्या होता है, जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो ट्रेनिंग से ही बनता है, और जो चीजें सीखी सीखी जा सक जाती है वो आप एक्सपीरियंस लेके टाइम लगा के भी नहीं सीख सकते। वो चीजें क्या होता है, आप चीजें सीखते हो, जैसे बिलिंग वाला बंदा है, मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा आइटम कर लिया, एस्केलेशन कर लिया, वेरिएशन कर लिया, सोचता है मुझे सारे क्लेम लेने आ गए बिल में, लेकिन ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे क्लेम आपको सीक्रेट्स क्लेम है जो कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया हुआ, वो आपको यहाँ पे रिवील किए जाते हैं। क्योंकि आप जो 10 साल 20 साल में भी नहीं सीख पाओगे, चुटकियों में सीख जाओगे विद इन 10 मिनट के लेक्चर में, क्योंकि कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थीसिस है या कोई कोई वो प्रॉब्लम है, बस बस सॉल्व करने दिखा रहे हैं, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से सीखने वाले हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर इस एक चीज से बोलूं तो चूहा होता है ना, चूहा, तो चूहा चूहा जब ही मतलब वो पहाड़ ही नजर आता है जब तक वो मतलब क्लियर ना हो जाए चीजें, तो वही चीज है, मतलब एक्सपोजर जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि एक्सपोजर मिल गया तो वो टफ चीज ही होगी, बहुत इजी चीज होती है, लेकिन आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो भी मैं गारंटी देता हूँ आपको, अभी के अभी देता हूँ, वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो इसमें कंटेंट में है, ये समझ लो। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो ट्रेनिंग लेने के बाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्री, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, बर्मा, कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी शीट है देख सकते हो आप, स्क्रीन पे आपके आ रही है, यहाँ पे क्या किया, वहां पे क्या किया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, सब आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो क्या है,
इसमें मैं और भी चीजें मैं क्या बोलते हैं लेवल 3-4 का भी दिखा देता हूँ। लेवल 3-4 में कुछ चीजें दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप एक्सपीरियंस जैसे हाईवे के बंदे आप हो तो आपने साइट पे काम किया है और भी उन्हें भी 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। जो निकमार वाले है जैसे सदाब हो गया, सदाब आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा हुआ होगा क्योंकि निकमार में थोड़े कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ाई देते हैं। क्यों सदाब? हाँ सर पढ़ा। सही बात है ना, निकमार थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो फोकस कर देते हैं क्यों लेकिन क्या है ना, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बिड कैपेसिटी क्या होता है सदाब, तो आप बता पाओगे? टोटल कैपेसिटी प्रोजेक्ट सर। बिड कैपेसिटी क्या होता है? बिड कैपेसिटी टेंडर में बिड कैपेसिटी, कोई अगर प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम बिडिंग कर रहे हैं कुछ परसेंटेज रहता है बिड कैपेसिटी, जितना हम उसके उसके अबव और बिलो बिड कर सकते हैं वो कैपेसिटी। नहीं नहीं वो बिल्कुल गलत है। देखो क्या है ना, एक्सेप्ट करो सदाव कि हाँ निकमार में नहीं बताया सर, ये क्लियर रखो क्योंकि जो चीज नहीं है वो नहीं है, समझे ना? ठीक है ना, आप इस चीज को मान लो कि हाँ नहीं बताया सर। देखो बिड कैपेसिटी क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने मतलब जैसे बोला वो गलत है, बिड कैपेसिटी क्या होता है, बिड कैपेसिटी एक फॉर्मूला देता है जिसे ए इंटू एन इंटू टू बोलते हैं और माइनस बी बोलते हैं। तो ए में क्या होता है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी होता है, एन होता है नंबर ऑफ ईयर फॉर द करंट टेंडर, टू कॉन्स्टेंट होता है और बी बैलेंस वर्क होता है। तो जब ये ए इंटू एन इंटू टू माइनस बी मोर देन एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाता है तभी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भर सकता है, ये होता है बिड कैपेसिटी। सदाब समझ में आया? हाँ। तो देखो क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भदानीज इंस्टीट्यूट का बंदा निकमार हो गया, आरआईसीएस हो गया, कोई भी, मैं मतलब रियल में बता रहा हूँ कि बंदा आराम से टैकल कर लेगा उन लोगों को आराम से, मतलब इतनी चीजें और बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन में करवा के भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि निकमार जैसे 2 साल लगा दिया उन्हीं चीजों को करने में जो 4 महीने में हो सकती थी। वैल्यू इंजीनियरिंग पढ़ा दी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जो आपको कभी भी काम ही नहीं आएंगे, उसका क्या फायदा पढ़ाने का, है ना? तो वो चीजें क्यों पढ़ाएंगे? देखो मैं बताता हूँ, जो जो कंसेप्ट है वो पेरिटो प्रिंसिपल्स के आधार पे है। पेरिटो प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी ने सुना है पेरिटो प्रिंसिपल? पेरिटो प्रिंसिपल सुना है किसी ने? बहुत कॉमन है, यूट्यूब पे बहुत कॉमन है पेरिटो प्रिंसिपल, हर कोई जान गया है, दुनिया जानती है। श्याम, श्याम सदाब नहीं सर। हाँ तो ये भी सर, इतना भी तो बोल नहीं सुना सर, इतना भी तो बोल सकते हो नहीं सर नहीं सुना है यार, लेकिन बहुत कॉमन है, सुनना चाहिए था आपको, मतलब ये बहुत ही कॉमन है, मतलब कोई बात ही नहीं भी सुना शायद। क्या होता है हमारे, हम लोग सिविल इंजीनियर है, साइट पे ही धक्के खाते रहते हैं, इतना सुनते हैं गाली, तो कहाँ पे कौन सी चीज याद रहेगी, अपना ही अपनी चीजें पढ़ लो, अपनी चीजें सीख ली, वही काफी है ना? लेकिन देखो यार पता रहना चाहिए फिर भी, मतलब थोड़ा ऐसा जो चीज कॉमन है। अब देखो पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है, 80-20 प्रिंसिपल होता है। मतलब क्या होता है कि आपने आपने डिग्री में क्या किया, डिग्री में आपने 80% ऐसी चीजें सीख ली जो आपको पूरा 4 साल टाइम दे दिया, फिर निकमार भी चले गए वहां भी 2 साल टाइम दे दिया, और वो चीजें सीखी जो 20% रिजल्ट दे रही है आपके आपके करियर में। और वो 20% रिजल्ट मतलब क्या हो गया कि आपने 80 लाख रुपए लगाए और 20 लाख रुपए मिले, ये है रिजल्ट कि आपने 80 लाख लगाए और 20 लाख मिला। यह और कम कर दो कि सर 80 लाख तो नहीं लगा सकते थे, चलो मैं कहता हूँ 8 लाख लगा दिए और 2 लाख मिला बदले में, ये हुआ आपके साथ। अब आप देखो क्या है, 2 लाख भी नहीं मिला क्योंकि जब स्किल्स नहीं है, और मतलब अगर मान लो 2 लाख भी नहीं मिले, क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये मिल रही है सिविल करने के बाद, तो 2 लाख के बंदे अभी भी कहाँ हुए, पहले 15,000 मिलेंगे, 15,000 मिलने के बाद आपको मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख डिवाइड बाय 15, मैं अलग कैलकुलेशन में थोड़ा सा जा रहा हूँ, 2 लाख डिवाइड बाय 15 कर दो, 2 लाख डिवाइड बाय 15,000 15,000 कर दिया,
तो देख लो भाई, 13 महीने आपको तो अभी काम करना है, तब जाके आप 2 लाख के बंदे बनो, मतलब 2 लाख बनेंगे, उसमें भी सेव हुए तब 2 लाख बनोगे, मतलब जब तक 2 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, जब तक आपके 2 लाख नहीं बने, और मान लो वो 2 लाख बनाने में आपने 2 साल लगा दिए या मान लो 3 साल लगा दिए, तो आपकी बीटेक भी अभी कंप्लीट नहीं हुई ये भी समझ लो, क्योंकि 4 साल की ये और 3 साल आपने अभी और लगा दिए, तो 7 साल से आप इंडस्ट्री में हो और कमा कितना रहे हो, 15,000 पर महीना, समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ, कमाना कमा नहीं पा रहे हो, नहीं दे रही है इंडस्ट्री आपको कमाने, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कुछ भी इंडस्ट्री का, बस आप आए आपने ये काम आता है आपको करना, अरे ओनर सोचेगा वाह यार ये तो करके दे देगा, चलो यार 20,000 दो लगाओ इसे, ऐसे समझते हैं वो लोग आपको, समझे। मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है या डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्यूएसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देंगे ना यार, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। क्वालिटी डिजाइन या एड ऑन होगा, मतलब आप किसी मीटिंग में बैठोगे तो आप डिस्कस करोगे तो आपको हाई सैलरी मिलेगी, उसके बेस पे आप हर जगह कोप अप कर पाओगे चीजों को, ये चीज में हेल्प होगी आपकी, लेकिन आप ये सोचोगे मैं डिजाइन में करियर ही बनाने लग जाऊंगा, तो आपसे पहले ही बैठे हुए बहुत बड़े बड़े वो आपको कमाने नहीं देंगे पहले, लेकिन उनके उनके टक्कर का कैसे बनोगे जब आप तीनों फेजेस पे काम करोगे, तीनों फेजेस पे काम कर लोगे, उन्हें लगेगा हाँ भाई आप लोग ज्यादा ज्यादा काम करके दे पाओगे, मतलब ज्यादा ज्यादा जगह पे काम करने का मतलब ज्यादा जगह आप इनपुट दे पाओगे काम करने, मतलब ये नहीं कि उन्हें वो लगाए जाएंगे आपको, आप लगे जाओगे ये काम हुआ, ऐसा नहीं, मतलब आप हर जगह इनपुट दे पाओगे, मतलब तीनों फेजेस पे अगर आप इनपुट दे पा रहे हो तभी वो आगे देंगे आपको काम, तभी वो आपको सैलरी देंगे, वरना आपको सैलरी नहीं देंगे, बस यही बात था, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने जैसे बिड कैपेसिटी है, आप जैसे आप सोच सकते हो श्याम और ओवैस कि देखो सदाब निकमार से किया हुआ है, निकमार से किया है, तो देखो बिड कैपेसिटी इसे अभी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या मतलब ऐसे देखो क्या होता है कि मतलब पता रहना चाहिए जो अपनी चीज की चीजें है, राइट एक्सपोजर रहना चाहिए, शायद चलो सदाब को नहीं पता होगा, निकमार के दूसरे स्टूडेंट्स को क्या पता है, एक दो को पता लगा होगा, पता चला होगा, लेकिन अगर निकमार से नहीं पता चला है तो समझ लो बहुत ही बेकार चीज है ये, ठीक है ना सदाब, ये समझ लो कि इतना बड़ा ब्रांड है और मतलब क्या बोलते हैं, पता लगना चाहिए, पता लग जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये चीजें है, हाँ तो ये मैंने ये चीज बताई, थोड़ा टेंडर के बारे में बताया, फिर सर आवाज बंद हो गई आपकी, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कुछ और मैं क्या बोलते हैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोचा मेरे पास बंद हो गई, नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आपको और क्या दिखा सकता हूँ। ये सर थर्ड स्टेज का बताया ना आपने, हाँ थर्ड का फोर्थ बताया मैंने, एक बार मैं क्वालिटी का भी दिखा देता हूँ कि क्वालिटी में आपका कैसे है चीजें। जी देखो इसमें भी अपने डैशबोर्ड्स होते हैं, अपनी चीजें रहती है, अपना मतलब वो रहते हैं, ये देखो ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब नॉन मतलब ये आपका एनसीआर होते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, क्वालिटी ट्रेनिंग कितनों को दी है, यहाँ पे एनसीआर पर एक्टिविटी है, देखो गुड प्रैक्टिसेस की आपने फोटो डाल रखी है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई एक मेजर इशू आ गया है, तो ऐसे ऐसे करके आप रिपोर्टिंग सीख रहे होते हो क्वालिटी की, ठीक है। ओके ये क्वालिटी के ऐसे करके आप रिपोर्टिंग सीखते हो, तो ऐसे करके आपके पास चीजें आएंगी, इसका भी अपना व्हाइट बोर्ड रहता है, पर
देखो इसमें भी अपने अपने चेकलिस्ट होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओपन हो रहा है ये शीट, ये देखो यहाँ पे देखो आप, ये जैसे ये क्वालिटी चेकलिस्ट हो गए है ना, जैसे फोर कार्ड आप देखते हो, फोर कार्ड्स भी होते हैं कंक्रीट के फोर कार्ड, देखो ऐसे। तो ये चीजें आप मतलब ये ए टू जेड आप सारी चीजें सीख रहे होते हो कि क्या क्या चीजें लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब लगते हैं क्वालिटी में, कब क्या देखना चाहिए, फोर कार्ड कब यूज करना है, चेकलिस्ट कब यूज करनी है, और भी चीजें रहती है जैसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गया, काइजन हो गया, ठीक है, और मतलब काइजन की टेक्निक्स हो गए, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जस्ट इन टाइम क्या होता है, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है। एक बार उनको देखो आप, व्हाइट बोर्ड कंटेंट का थोड़ा दिखाता हूँ आपको, देखो ये व्हाइट बोर्ड कंटेंट हो गया, यहाँ से ऐसे चालू होगा आपका। तो क्या है मतलब कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत इजी है और अच्छा भी लगेगा आपको करने में, ठीक है, चीजें बहुत अच्छी लगेगी आपको करने में, मतलब बहुत चीजें सीखने वाले हो। लेकिन यही बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल नहीं देगा आपको, जो देगा वो क्यूएस ही देगा, लेकिन आपको ये चीज सीखनी चाहिए क्योंकि ये भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, समझ गए चीजें। मतलब इसमें भी अपनी अपनी एक्सेल शीट्स है, जो मैंने आपको एक एक्सेल शीट दिखाई, अब मैं ये व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे पांच छह व्हाइट बोर्ड है, 5 to 6 व्हाइट बोर्ड है, जो आपको ये चीज आएगी, ठीक है, मतलब कर रहे हो गए आप, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको दिखेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ओके सर, क्यूएक्यूसी कोर्स की ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कवर करते जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपने एक्सेल शीट्स बना दी, वैसे 15 दिन लगता है मिनिमम, 10 से 15 दिन मिनिमम लगेगा कम से कम, और मैक्सिमम रिकॉर्डेड वीडियोस कितने आवर्स के हैं सर? रिकॉर्डेड वीडियोस आपका जो है 10 to 15 hours के रहते हैं। ओके ओके, देखो वीडियोस तो होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होता है टाइम नहीं लगता, जैसे क्या है लाइव में क्या होता है, कोई बंदा आया 10 मिनट ले लिए उसने, अभी क्लास चालू हुई 10 मिनट लग गए, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग को तो टॉपिक, जैसे मुझे टॉपिक कराना है तो जैसे मेरी है, मुझे तो सारा माइंड मेरा बना हुआ है, मुझे तो पता है क्या बोलना है, तो मैं अगर वो 10 मिनट में बोल ही दूंगा वो चीज, ठीक है ना, तो ये चीज रहती है। लेकिन क्या है, मेन होता है कॉन्टेंट, कॉन्टेंट आपको समझ में आना चाहिए। इसमें क्वालिटी क्यूसी में आप एनडीटी टेस्ट वगैरह भी कवर कराते हैं? हाँ, एनडीटी सारा नॉन कंफर्मेंस, ये एनसीआर क्या है, नॉन कंफर्मेंस रिपोर्ट ही तो हो गया ये देखो ये, और एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो हो गया वो सब कवर होगा, कैसे होता है, क्या होता है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा, वो होता क्या है, ठीक है, वो दोनों चीजें करवाई जाएगी आपको, डिस्ट्रक्टिव भी नॉन डिस्ट्रक्टिव भी। वो सब भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, वो मतलब वो उससे बहुत अच्छी चीजें है उसमें, वो तो आप अभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो वो सारी चीजें। नहीं नहीं पढ़ा नहीं सर, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन होता है ना अभी, एक्चुअली मैं पहले साइट इंजीनियर काम करता था, अभी मैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर, एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर ज्वाइन किया हूं, तो सर इसमें बदानीज इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है, बदानीज इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है, और बहुत ही हर जगह से पार्टनरशिप है, मतलब क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, CIOB अप्रूव्ड है, मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ठीक है। तो आप मतलब सर्टिफिकेट आराम से लगाओ, कहीं भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे अभी हमारी कंपनी है तो बेसिकली ऑयल एंड गैस और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिजाइन, PMC और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में काम करती है। ट्रेनिंग क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या है मैं बताता हूँ। आपने मान लो आपको कहोगे सर थोड़ा आपको ये पता है क्या, ये वाली चीज पे क्या कर सकते हो, तो हम लोग रिसर्च कर लेंगे उस पे और वो चीज आपको डिलीवर करेंगे। ओके, उसकी कोई चिंता नहीं है, आप चिंता मत करो उस चीज में, ठीक है। थोड़ा आप बताओ, हम बताए, थोड़ा बैठ के हो जाएगा,
ठीक है, जी 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 वही वही। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई अपने आप को थोड़ी ना कह रहा हूँ तीसमा खान बैठा हूँ मुझे सब पता है। नहीं 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 आप लोग सर हो, आप आओ मेरे साथ मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मुझे पता है मैं पहले दे दूंगा डिलीवर, आप फिर उसके बाद आप डिस्कस करो मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा, सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। बाकी देखो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे शताब है, शताब जैसे आपने निकमार से किया हुआ है, तो निकमार मतलब निकमार भी जैसे निकमार भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है, बहुत अच्छी चीजें है उसमें, मतलब बहुत अच्छा स्कोप रहता है। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं जैसे क्या होता है कुछ चीजें मिस रहती है, तो भदानीज इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ठीक है ना, ये चीजें रहती है, समझ रहे हो शताब, जो चीज सीखी है उधर से जो चीज सीखी है बहुत अच्छा है। फिर लाइफ क्या होता है कि जहाँ पे कोई चीज वीकनेस है, कहीं पे कुछ लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप जाओगे सीखोगे कहीं और भी, ठीक है ना चीजों को। शदाब आपको आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सीखना वैसे, क्या क्या करना था आपको, लेवल वन से चालू करना है वैसे, है ना सर? मुझे फर्स्ट टू लेवल वन और लेवल टू में परफेक्ट होना है। हाँ बिल्कुल, लेवल वन लेवल टू सबसे पहले आप परफेक्ट होना है आपको, बिल्कुल मैं यही बोलने वाला था आपको, क्योंकि आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो जैसे ही आप लेवल वन लेवल टू कंप्लीट कर लोगे तो आप इंटरव्यू में आराम से बैठो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निकमार की डिग्री है और भदानी सर्टिफाइड हो जाओगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप ये समझ लो, और आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि निकमार और भदानीस का एड ऑन हो जाएगा दोनों। और सर मुझे एक पूछना था, लेवल वाला और लेवल टू मिलाकर कितना ड्यूरेशन लगेगा सर दोनों का? लेवल वन लेवल टू ड्यूरेशन दोनों का देखो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड में आप रिकॉर्डेड जो आपको मिलेगा आप तो कंप्लीट कर लोगे सीधा सीधा ही, मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिकॉर्डेड खत्म कर लो। लेकिन जो जैसे क्या होता है कि वैसे आपको आराम आराम से करना चाहिए, 45 डेज लगा के करना चाहिए, क्योंकि क्या है पहले जब जैसे लाइव सेशन आप पहले क्या था, सिर्फ लाइव सेशन थे तो क्या होता था कि जैसे क्या है कि लाइव सेशन होते थे तो क्या था कि हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस आपको मिलती है, तो आप उसके ऊपर टास्क मिलते हैं तो आप टास्क करते रहो। तो ये अब क्या हो गया है कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव हो गया, मतलब क्या हो गया कि रिकॉर्डेड से आपने चीजें सीख ली, लेकिन हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप ज्यादा भागो मत। जब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाए हैं तो मैंने ये चीज बताते गया हूँ कि कैसे चलना है, ऐसा नहीं कि भाग जाओ आगे लालच के चक्कर में, दूसरे कंटेंट भी खोल के बैठ जाओ और वो भी करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक एक वीडियो सही से सुन सुन के आगे बढ़ना है, ताकि डाउट उसमें से डाउट आप तब निकाल पाओगे, है ना। और फ्रीक्वेंट लाइव सेशन देता रहूंगा मैं, फ्रीक्वेंट लाइव सेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज एडमिशन लिया और 15 दिन बाद मैं लाइव सेशन में आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, 3-4 दिन बाद एक लाइव सेशन करूंगा, समझे, फिर 2-3 दिन का टाइम दूंगा, फिर लाइव सेशन करूंगा, ऐसे समझ रहे हो बात को, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही कि भाई रिकॉर्डेड ही करते जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं क्या सीखे जा रहे हो खुद से ही। वैसे तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भदानीस का जो रिसर्च टीम है ना वो बहुत सपोर्ट मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब एक एक कंटेंट को सही से डिफाइन करके बनाया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये मत समझो कि ये लाइव सेशन नहीं है, ये लाइव सेशन ही है, बस रिकॉर्डेड इसलिए बनाया है ताकि आप लाइव सेशन में कभी कभी आप नहीं कर पा रहे होते हो चीजें, कभी 10 दिन के लिए गोल हो जाते हैं स्टूडेंट, तो यार रिकॉर्डेड कर, रिकॉर्डेड देख लेना, जब तक कम से कम कवर तो हो जाएगा, और मेरी लैंग्वेज है, मेरा ही सब कुछ है, जैसे मैंने अभी आपको डेमो दिया मेरी रिकॉर्डेड है, सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आप मेरी बातें समझ में आ रही है तो वो रिकॉर्डिंग भी समझ में आएंगी। क्लियर है शताब, श्याम और अवैस? एंड सर पुणे के लिए मतलब पुणे में ऑफलाइन क्लासेस भी आप ही लेते हो क्या? नहीं 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 यार, निदा शेख मैम है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, मजा आ जाएगा उनसे करने में, ठीक है, हाँ मजा आ जाएगा, मतलब समझ लो मेरे से 2 कदम आगे है, ये समझ लो आप एनालिटिक्स में, मतलब मैं तो मैथ्स में बहुत वीक हूँ, मैं एनालिटिक्स नहीं कर पाता, वो एनालिटिक्स भी अच्छा कर लेती है,
तो ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन भी अच्छा है ऑनलाइन भी अच्छा है, क्योंकि कंटेंट सेम है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंटेंट सेम रहेगा। जैसे आप मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने जाते हो, किसी भी ब्रांच में बर्गर खाते हो, सेम टेस्ट होता है, वैसे ही ऑफलाइन कर लो ऑनलाइन कर लो सेम है, समझे? हाँ सर। उस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जितने ट्रेनर्स आते हैं ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ, लेकिन कुछ ट्रेनर होते हैं जो एक्सेप्शनली अच्छे ही होते हैं पहले से ही। तो निदा शेख मैम है जो पुणे में है, वो उन्हीं में से एक है, ठीक है? तो आप इजीली जाके ऑफलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुणे में ही रहते हो क्या शादाब आप? हाँ सर पुणे से हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पुणे स्वारगेट में ब्रांच है अवेलेबल, जाओ एडमिशन लो, ठीक है? और बताओ श्याम, आपके कोई डाउट है? श्याम आपको कोई डाउट है? नहीं सर। मतलब देखो कोई डाउट मत रखो, नहीं नहीं सर कोई डाउट नहीं, बल्कि आप पूछो कि हाँ सर बिल्कुल, मतलब आपने जो, हाँ बिल्कुल। अब मान लो बाद में भी कभी कोई डाउट रहे, मेरा व्हाट्सएप नंबर सर से ले लेना, एडमिन से, वो आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको गाइड, मैं तो आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा तीनों को, भदानी इसके लेवल 5, लेवल 1 से लेके लेवल 5 वाले कर लो पहले, उसके बाद क्वालिटी भी ऐड कर लो, कम फीस वीस का डिसाइड डिस्कस कर लो एडमिन के साथ, कम भी फीस हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपको लग रहा है शाम की मुझे क्वालिटी करना है, ओवैस को क्वालिटी करना था, तो पहले क्वालिटी करो फिर लेवल्स पे जाओ, मैं ये कहूंगा, ठीक है? लेकिन लेवल्स करना जरूरी है। अब आप कह रहे हैं जैसे आपको डिजाइन करना है, मैं आपको राधे श्याम, मैं आपको कहूंगा डिजाइन में तो जाओ ही मत, आपको मना ही कर रहा हूँ मैं अभी। श्याम समझ में आ रहा है आपको? मैं मना कर रहा हूँ आपको, डिजाइन में मत जाओ आप लेवल 3-4 करो। आपके ना आवाज नहीं आ रही श्याम, श्याम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सदाब आपको, आप बोल के दिखाओ आवाज आ रही है क्या आपकी मुझे? आ रही है सर मेरी, आ रही है। हाँ हाँ आ रही आ रही। श्याम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे अब, किसी और को आ रही है क्या श्याम की आवाज? हाँ हाँ श्याम बोलो बोलो। चलो कोई बात नहीं, शाम को आवाज नहीं आ रही। शाम मैं आपको मतलब कह रहा हूँ डिजाइन में मत जाओ, डिजाइन मत करो अभी, डिजाइन से अच्छा भदानीस का लेवल 3-4 कर लो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आवाज तो बिल्कुल ही चली गई है शाम की। चलो कोई बात नहीं, ओएस आपको अब आ रही है सर। हाँ श्याम बताओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर आ रही है। हाँ श्याम मैं ये आपको कह रहा हूँ कि डिजाइन में मत जाओ, डिजाइन की चीज मत सीखो अभी, आपको फाइनेंस मतलब आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप भदानीस का लेवल 3-4 पहले करो, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। क्लियर है श्याम? क्योंकि मेरा बिल्कुल, क्योंकि मेरा क्या, आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि मुझे लगा डिजाइनिंग ज्यादा वो है फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, नहीं नहीं इसलिए मैं उसमें जाना चाह रहा था। नहीं पता है आपको क्यों लग रहा है फाइनेंशियल ज्यादा करेगी? क्योंकि आपको आप वही काम करते जा रहे हो तो आपका माइंड वैसा बन चुका है, तो इसलिए आप उसमें स्कोप ढूंढ रहे हो जबरदस्ती में, और उसमें स्कोप है, स्कोप तो है लेकिन आपको नहीं मिलेगा वो स्कोप, बस मैं ये कह सकता हूँ, आप ये समझ लो। मतलब क्या बोलते हैं, पहले आप कमर्शियल में जाओ, कमर्शियल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, उसी चीज में जिस फील्ड में आप हो, हेलो उसी में आप जाओ, लेवल 3-4 में ही आप जाओ, कमर्शियल में एंटर हो, पहले कमर्शियल में काम करो, कमर्शियल में पैसा आएगा, फिर उस पैसे से डिजाइन सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? कट रही है सर आवाज शायद मेरी तरफ, मेरी तरफ। हाँ आपके, हाँ आपके पास नेटवर्क इशू है इसलिए आपके आपके पास मेरी आवाज जाने दी है, समझे? मतलब डिजाइन देखो, मैं तो ये कहता हूँ फ्रेशर भी आते हैं ना, मैं डिजाइन सबसे पहले मना कर देता हूँ कि डिजाइन तो जाना ही मत,
इवन इफ मतलब भदानी स्टैड प्रो करवा रहा है फिर भी मैं मना कर देता हूँ कि डिजाइन मत जाना। वैसे स्टैड प्रो 2500 रुपए में अवेलेबल है, 2500 में ही, लेकिन स्टैड प्रो कर लो, कुछ भी कर लो, डिजाइन करो, लेकिन क्यूएस को छोड़ के करते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं सेशन ओवर करूं अब। ओवैस सदाब जी, यू कैन ओवर इट। ठीक है, चलो ठीक है, श्याम सदाब ओवैस, गुड नाइट। ओके बाय, थैंक यू सर फॉर टेकिंग सेशन। चलो मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करने में। ओके बाय।